इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और फाइनल से पहले तिरंगा लहराया। जी हाँ, और इस तिरंगे लहराने के पीछे जो सबसे बड़े गेंदबाज हैं उनमें से सबसे पहले नाम आता है अक्षर पटेल का, क्योंकि जब अक्षर पटेल आए और वहीं से चीजें देखिए कि कैसे इंडिया के फेवर में चली गई। रोहित शर्मा का वो जो मास्टर स्ट्रोक था वो इंडिया के लिए काम कर गया, क्योंकि जॉस बटलर और फिल सॉल्ट अपने पैर जमाने लगे थे, लेकिन चौथे ओवर में अक्षर पटेल को रोहित शर्मा ने इंट्रोड्यूस किया और पहली गेंद पर स्वीप मारने चले गए जॉस बटलर और कीपर के हाथों कैच थमा दिया। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो अक्षर पटेल जब जब ओवर करने आते थे पहली ही गेंद पर विकेट लेके जाते थे। तो 2022 का जो बदला था इंडिया ने सूत समेत लिया है और इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप से बाहर किया है और फाइनल के लिए अपनी जगह बनाई है। तो फाइनल बारबाडोस में 29 तारीख को खेला जाएगा, जहां पर साउथ अफ्रीका पहले से ही इंडिया का वेट कर रही है। मैच के शुरुआत में चलते हैं, पहले टॉस जीता जॉस बटलर ने और न्योता दिया इंडिया को बल्लेबाजी करने का, और रोहित शर्मा ने ऐसी क्लास लगाई कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और अब सवाल यह था कि 2022 में भी इंडिया ने 168 रन बनाए थे और आज 171, तो वो थोड़ा सा माइंड में चल रहा था कि क्या ये डिफेंड हो पाएगा, लेकिन हमें अपने स्पिनर्स पर भरोसा था। रोहित शर्मा को, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, सब पर भरोसा था और वहां पर रोहित शर्मा के भरोसे पर हमारे जो गेंदबाज थे वो खरे उतरे। चार ओवर में 19 रन देकर कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटकी और ये बता दिया कि वो इस टीम में, इस लाइनअप में क्यों सबसे बड़े स्पिनर कहे जाते हैं। आपको एक बार स्कोर कार्ड भी बता देता हूं कि जो कुलदीप यादव ने 4 ओवर 19 रन देके 3 विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेटें ली और जसप्रीत बुमराह ने 2.4 ओवर्स में 2 विकेटें ली और बाकी पूरी टीम इस तरीके से चलती बनी और इंग्लैंड को हमने 103 रनों पर ढेर कर दिया और जो 68 रन से इंडिया की एक कन्विंसिंगली जीत आई। और जो बोल रहे थे ना कि यार इंग्लैंड इतना हावी हो सकता है, 10 विकेटों से हमें हराया था, तो वो सारी चीजें हुई, ऑस्ट्रेलिया से भी बदला लिया, इंग्लैंड से भी बदला लिया। अब बारी है साउथ अफ्रीका से। फाइनल फ्रंट पर दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं, बारबाडोस में मुकाबला होगा 29 तारीख को और उस मुकाबले का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इंडिया ने ये पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन अब जो पड़ाव अगला फाइनल का है वहां पे भी इंडिया को चारों खाने चित करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को, तब जाके इस वर्ल्ड कप में हमें ट्रॉफी मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है स्पोर्ट्स नाउ को तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।